पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारला 9 वर्ष पूर्ण झाले असून त्या 9 वर्षाच्या कार्यकाळात राष्ट्रनिर्माणासाठी केलेल्या विकासकामाच्या संदर्भात माहिती देण्यासाठी भाजपाचे राष्ट्रीय महामंत्री कैलास विजयवर्गीय हे नंदुरबार जिल्हा दौऱ्यावर आले. यावेळी त्यांनी पत्रकारांसोबत संवाद साधला. यावेळी राष्ट्रीय महामंत्री कैलास विजयवर्गीय यांनी सांगितले की मोदी सरकारच्या 9 वर्षाच्या विकासकामाचा रिपोर्ट कार्ड जनतेसमोर मांडण्यासाठी आम्ही जनतेसमोर जात आहोत. आज अमेरिकेसारख्या देशात मोदी यांचे भव्य स्वागत होत आहे. अमेरिकेसहित संपूर्ण विश्वामध्ये नरेंद्र मोदी व भारताचे वर्चस्व वाढले आहे. संपूर्ण विश्व आज भारताकडे आशेने पाहत आहे. या 9 वर्षात देशाची अर्थव्यवस्थाही अत्यंत सुदृढ झाली असून आज जागतिक स्तरावर भारताची अर्थव्यवस्था 5व्या क्रमांकावर आहे. कोविड काळात संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था बिघडली असताना मोदी सरकारच्या नेतृत्वात भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर राहिली असून GDP वाढली व महागाई देखील नियंत्रणात राहिली. 9 वर्षात भारताने प्रगतीकडे वाटचाल केली असून स्वातंत्र्याचे 100 वर्ष पूर्ण होतील तेव्हा भारत विकसित देशाच्या पंक्तीत उभा राहील असा संकल्प आज मोदी सरकारने केला असल्याचे महामंत्री कैलास विजयवर्गीय यांनी बोलताना सांगितले. यावेळी नंदुरबार लोकसभेच्या खासदार डॉ हिना गावित, राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ विजयकुमार गावित, राज्याचे महामंत्री विजय चौधरी, गोव्याचे खासदार विनय तेंडुलकर, नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ सुप्रिया गावित, आमदार राजेश पाडवी, आमदार जयकुमार रावल आदि उपस्थित होते. केंद्र में मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर हम सब लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं. उनको बता रहे हैं कि हमने 9 वर्षों में क्या किया, देश को किस प्रकार आगे बढ़ाया. आज यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश जो मोदी जी को वीज़ा नहीं देते थे, आज रेड कारपेट बिछाकर मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं. आज मोदी जी, पहले हम लोगों ने देश का नेता बनाया, अब वो विश्व के नेता बन गए, वर्ल्ड लीडर बन गए. वे पहले भारतीय हैं जो US कांग्रेस में दूसरी बार भाषण दें. ये हम सबके लिए गर्व की बात है. ये जो देश का सम्मान बढ़ा है इन 9 वर्षों के अंदर, निश्चित रूप से हम भारतवासी गौरवशाली हैं. यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत देश की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है. यदि हम महंगाई की बात करें तो भारत ने महंगाई में नियंत्रण किया है. देश के 90 देश, दुनिया के 90 देश ऐसे हैं जो बैंक करप्ट हो गए. इस कोविड की महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई. अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी आज महंगाई के दौर से गुजर रहा है. चाइना, जितने भी विकसित देश हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, सबकी GDP कम हुई और महंगाई दर बढ़ी. भारत ने अपनी GDP भी बढ़ाई, महंगाई दर को भी नियंत्रित किया है, देश की अर्थव्यवस्था का साइज भी बढ़ा है और इसलिए भारत आज सारी दुनिया की आशा का केंद्र है मोदी जी के नेतृत्व में. और हमने 9 वर्ष में देश को आगे बढ़ाया है. हमारा संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है कि 2024 जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाए, 2047 में भारत दुनिया की विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो, यह हमारा संकल्प है.